नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज दिन भर से हम आपको राज्यसभा का दंगल दिखा रहे हैं, किस तरीके से मतगणना अब शुरू होगी उससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मतगणना शुरू करने के लिए चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से तकनीकी कारणों से परमिशन का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच चुके हैं दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर, और हरियाणा और महाराष्ट्र से शिकायतों को लेकर अपनी बात रखी। जो शिकायतें मिल रही थी उसे लेकर अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग से सभी जगह एक साथ मतगणना की इजाजत मिल जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा के दंगल से जुड़ी हुई। आज किस तरीके से वोट कास्ट किया गया और उसके बाद अब मतगणना की बारी, लेकिन थोड़ा इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। हालांकि कुछ कुछ तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन जब तक रिजल्ट अधिकृत तौर पर नहीं आता उसका इंतजार किया जाना वाजिब ही है। और ऐसे में अब इंतजार एक साथ मतगणना की इजाजत मिलेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिकायत को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं बीजेपी के तमाम नेता, विधानसभा में राज्यसभा चुनाव मतगणना से जुड़ा है अपडेट, क्योंकि इंतजार हर किसी को है। मतगणना शुरू करने के लिए चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है, तभी मतगणना शुरू होगी। हालांकि 200 वोट है, इतना वक्त नहीं लगेगा, लेकिन दिल्ली से तकनीकी कारणों से परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। परमिशन मिलते ही तुरंत मतगणना शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच चुके हैं दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर। हरियाणा और महाराष्ट्र से मिली शिकायतों को लेकर अपनी उन्होंने बात रखी है। अब चुनाव आयोग से सभी जगह एक साथ मतगणना की इजाजत मिल जाएगी। इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, दिल्ली का रुख करते हैं और हरियाणा में भी हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से वहां के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, ऑब्जर्वर को शिकायत भी की है, और जो सेक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनावों के उनके चुनावों को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है, और उसके पूरे के पूरे अध्ययन करने के साथ साथ तब तक चुनाव आयोग इस संबंध में मतगणना रोके ये भी हमने निवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस संबंध में जानकारी लेंगे और जो भी नियमों के अनुसार आवश्यक होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नकवी साहब, दिखा करके जिस तरीके से विधायकों ने वोट डाले हरियाणा में पार्टी के नेताओं को, क्या वो सही है, उचित मानते हैं इसको? देखिए क्या है, इसमें बहुत स्पष्ट नियम है कि जो ऑथराइज एजेंट है उसके अतिरिक्त किसी भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें व्यक्ति को अगर आप दिखाते हैं तो वो आपका कंडक्ट जो है, वो जो चुनाव नियम है उसके विपरीत है, उसके उससे अलग है, और उस वो जो है वो पूरी तरह से उसमें कार्रवाई करने योग्य होता है, और इस तरह के कई उदाहरण हैं। कहाँ कहाँ पे सर, महाराष्ट्र हरियाणा दोनों जगह में? जी हाँ, महाराष्ट्र में, हरियाणा अभी हमने हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में कांग्रेस का डेलीगेशन अभी आ रहा है।